नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बीटाउन हलचल में। जब कल वाईएफ की तरफ से पृथ्वीराज की टीजर को लॉन्च किया गया है, तब से ये बातें लगाया जा रहा है शाहरुख खान की आने वाले फिल्म की रिलीज डेट कौन सा होने वाला है, क्या शाहरुख खान के आने वाले रिलीज डेट पे क्लैश होगा, क्योंकि बड़े बड़े फेस्टिवल पे हर किसी ने अपनी फिल्म अनाउंसमेंट कर दी है। दिवाली ऐसे एक रिलीज डेट था जिसमें कोई बड़े फिल्म अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कल वाईएफ की तरफ से जब बड़े फिल्म अनाउंसमेंट हो गया, तब क्या शाहरुख खान की आने वाले फिल्म किसी न किसी बड़े फिल्म के साथ टकराने वाले हैं? तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो हम लोग सोच रहे थे कि शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म बहुत ही बड़े एक्शन और हाई बजट की होगी, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। शाहरुख खान 2020 में अगर कोई भी फिल्म लाएंगे तो वो एवरेज टाइप की बजट वाला फिल्म लाएंगे, मतलब 80 से 70 करोड़ बजट वाला फिल्म। कोई हाई बजट की फिल्म शाहरुख खान की नहीं आएगा 20 में, लेकिन जो फिल्म की बात आप लोग कर रहे हैं बिग बजट एक्शन फिल्म, वो फिल्म शाहरुख खान की 2021 में आ सकती है, और शाहरुख खान की 21 में एक नहीं दो फिल्म आने के चांसेस है। अब मैं इसमें बात नहीं करूंगा कि कौन से फिल्म है, लेकिन लो बजट फिल्म की बात कर रहा हूं, जैसे कि लो बजट फिल्म भी शाहरुख खान को बहुत सारे ऑफर हुआ है। आप लोगों को पता है इंस्पेक्टर गलीफ है, और एटली कुमार की फिल्म भी उतना बड़ा बजट की फिल्म नहीं होगा जिस टाइप की बड़ा बजट हम शाहरुख खान की फिल्म को समझते हैं। तो ऐसे में शाहरुख खान अगर लो बजट के साथ क्लैश करते हैं तब तो सही है, क्योंकि बिग बजट क्लैश करेंगे तो बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वाईएफ की तरफ से मतलब जब दिवाली की रिलीज डेट लिया गया है, तो दिवाली पे शाहरुख खान की फिल्म आने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान किसी के साथ क्लैश करे ना करे, वाईएफ और सलमान खान के साथ शाहरुख खान कभी क्लैश नहीं कर सकते, ऐसे मुझे लगता है। सलमान खान के साथ तो पता नहीं, लेकिन वाईएफ के साथ कभी भी शाहरुख खान की क्लैश होने की संभावना है नहीं। तो शाहरुख खान की दिवाली रिलीज डेट आप तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, आप किसी और रिलीज डेट पे देखते हैं कोई आप फिल्म अनाउंसमेंट करते हैं, या फिर शाहरुख सीधा 21 में एंट्री मारते हैं। लेकिन उम्मीद है कि शाहरुख 20 में ही एंट्री मारेंगे किसी लो बजट फिल्म के साथ, जैसे कि ऋतिक रोशन ने सुपर 30 के जरिए करके दिखाया, और उसके बाद वार जैसे फिल्म की। ऐसे ही स्ट्रेटेजी शाहरुख सर भी अपना सकते हैं, पहले लो बजट फिल्म करके उसके बाद पीक बजट की तरफ देखना, तो बहुत अच्छा मूव होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है रिलीज डेट को लेके, क्योंकि शाहरुख खान जब भी आते थे कोई ना कोई बिग फेस्टिवल पे ही आते थे। अब बिग फेस्टिवल पे तो सारे बिग फेस्टिवल बुक है, अब देखो कौन से रिलीज डेट पे आते हैं।